औज़ु बिल्लाह मिनश शैतान बिस्म अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। यार अज का व्लॉग ऐसे सिले ना लेके मैं एक कारी साहब ने एक मदरसे के कारी साहब है ने कारी जुबैर फहीम साहब मैं उन्होंने दावत दी बुलवाया तो मैं उतो सारी सूरत हाल देखी आ ते इस टाइम मस्जिद बिल्कुल अंदर है मस्जिद का बोर्ड लगे कि मेरे भाई अज वीडियो बनाव का सिर्फ मकसद यो ही है कि मैं इस मस्जिद वास अल्लाह तला जिन्हें को काम लेना चाहता हो लै सकता है। देखो तुम गाजी इलम दीन शहीद दो को अल्लाह तला ने कि बंदा सी अल्लाह तला के काम लिया राजपाल गोपाल उन्होंने कतल कराता अल्लाह तला ने उन्होंने किन्ना रुतबा बख्शा गाजी इलम दीन शहीद का। तो ये भी मम्मी दुड़े तो ना चीज़ बनता यार कोई ऐसा वैसा हाम बनता कोई सिर्फ दुड़े लोगों की मुहब्बत दुड़े का प्यार कि मनु अगे लैके आई है। अच्छा जी मैं इस गल के मकसद आना कि इस मदरसे तुम देख रहे हो कि यह मदरसा 1975 तो कायम होया तो 75 तो इन क्योंकि तकरीबन काफ़ी हज़ारा तदाद लड़के पढ़ के इतों फारग हो चुके हैं 600-700 लड़का इतों मदरसे चो फारग हो चुके हैं जेड़े इतों मदरसे इलम हासिल करने तो बाद कुरान जी दरसे निजामी करने तो बाद इतों चले गए तो अपना अपना काम सर अंजाम दे रहे कि याद रखे दे कि कद सोचा भी तुम कि जेडे वे वे डॉक्टर लैक्चरार प्रोफेसर जो होंगे कि अपन तनखा या कोई होर बिजनेसमैन अपन तनखावान वधाने वास्ते चले जाते सड़कों के उत्तर रोड ब्लॉक करते कि जी एक एक लख तनखा भी लैते पूरी नहीं पैंदी उन्हां दी कि फिर भी सड़क ब्लॉक करना पैंदे रस्ते ब्लॉक करना पैंदे आ यही सोचते कि साड़ी तनखावान वधाइया जावन साड़ी वैसे फिर भी घाटा तो लेकिन कदे भी काजिक सोचा कदे मौलवी भी कदे सड़क ते गया होवे उन्हें कहा हो मेरी तनखा वधाई जाए कदे भी नहीं है। तो एक वाहिद उलमाई होंगे जी आप जो भटक राह भटक जाएगा जो अल्लाह दे जो गाफल हो जाएगा तो उलमाई आपू इस काम च वापस छिक के लेंदे कि नहीं यार एक वाहिद जात अल्लाह दी है जो तुम्हें बचा सकती है दुनिया कुछ नहीं दे सकती ये सब कुछ फानी इतने रह जाना लैके की जाना अपने माल लैके जाने होर कुछ नहीं। मैं इसे सिलसिले में अज एक मस्जिद आया तो एक मस्जिद देखो जेरे तमीर भी पई है इनके बच्चे 500-600 लड़के बड़े लेकिन अजक दौर स्कूलों की फीसा में बच्चे 1000-1000 शहरों में 10-10000 भी फीस हैगी बर्दाश्त करते हैं सिर्फ दुनिया के लालच में यो ही आ कि मेरा पुत्र डॉक्टर बनेगा वकील बनेगा इंजीनियर बनेगा पैसे कमावे तो नोट छापे तो लोगों मतलब वो नोट इन्ने कुछ छापे तो उनकी दुनिया तो दुनिया ही रह जानी आखिर कुछ नहीं सा बचना। तो मेरे भाईओ इसे तरह के अपने बाद तो जो वालदैन साढ़े अगले बाओजदाद अगे मस्जिद पई होंगी आ तो सानू उत्थे पढ़न दी पढ़न तौफीक नहीं होंगी सानू आदि कुछ है नहीं क्योंकि असी पढ़ी FSC BSC मैथ पढ़ी होंगी है तो असी उन्हें आखिरी वक्त भी उन्हें नाल फ्राड करते पे होंगे कि असी बच्चों सिर्फ अपने कंप्यूटर मशीन बनाया पैसे कमावन वाली मशीन बनाई ना कि असी आलम बनाया ना कि असी फाजल बनाया तो इस वजह तो अपने बच्चों तो साढ़े लोगों में एक ही होंगे कि जेड़े जेड़े बच्चों में काम कोई अखा तो नबीना हो जाए या कोई गूंगा बैरा कोई होर कोई उन्हें कोई मतलब मुथाज हो किसी चीज़ तो दिमाग थोड़ा मतलब लैके साटो दर्श में साटो कि किसी जरा भी कोई अच्छा बच्चा हो कोई जो लायक हो तो अच्छे अच्छे स्कूल प्राइवेट स्कूल देनिया ना फीसा अकैडमिया तो बर्दाश्त करते हैं तो लेकिन मदरसों वास्ते कोई भी इस तरह का पैसा देव तो ग्रेज करते हैं क्योंकि ना ये दुनिया सूँ कोई फायदा नज़र नहीं आता मैं तो लेकिन यकीन मानो कि यह सब कुछ एक दुख है दुनिया एक अपने पहले समय कि एक मकड़ी का जाल है मकड़ी का जाला क्या है कि फूका मारने नालों खत्म हो जाता है इस तरह की इंसान की जो जिंदगी आ एक दिन खत्म हो जानी कुछ नहीं लैके जाना सिर्फ यो ही काम होना जो हाथ से दिता काम आना है। तो मेरे भाईओ कि मैं इस मस्जिद आया इस कार साहब के इस बच्चे 300-400 बच्चे पढ़ते हैं मदरसे तो इसकी इमारत कुछ नामुकम्मल तमीर होंगी भी है कुछ अगले दिन देख सकते हो कि इतने बच्चे पढ़ते पै सन तो इस मारत टुटल भी जी खस्ता हाल है कोई अपने लोग जो इन स्कूलों में फीसा अदा कर सकते हैं देखो इतने बच्चे पढ़ रहे सन तो मारत डिगी बच्चे शदीद जख्मी हो गए तो लेकिन कि साढ़े लोगों की दोस्तों के देख सकते हो तुम ऐसे इमारत बच्चे पढ़ते पै सन तो दीवार डिग पी कि इनकी हालत बहुत नखस्त है तो बहुत ही पुरानी हो गई है तो लेकिन कि साढ़े लोगों की गफलत आ कि जरा मदरसे नाल उलमा नाल मुहब्बत नहीं करी दी हकीकत गल कि जो कब्र च जावा दे फिर हिसाब किताब अल्लाह ताला
ਬੰਦਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚੀਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਹਸਰਤ ਆ ਯਾ ਹਸਰਤ, ਹਾਏ ਅਫਸੋਸ ਹਾਏ ਅਫਸੋਸ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਬਰ 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਆ, ਜੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ 'ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਵਬਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿਮਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਖੌਫ ਜ਼ਦਾ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਐਸੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੋਏ ਵਬਾ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਮਦਰਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਈ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮਦਰਸੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਨਾਬ ਇਸ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਮੈਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਜੈ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਜੋ ਛੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਵੀ 70 ਗੁਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਵੇਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰਸਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਲਮਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਲਮਾ ਤਾਂ ਨਬੀ ਦੀ ਮਿਰਾਸ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕਬਰ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਫਰਮਾਵੇ ਦਾ। ਜਨਾਬ ਜੀ ਇਹੋ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਦਰਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਮਦਰਸੇ ਚਲਾਉਣੇ ਉਹ ਕਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਨਾਬ ਆਪਾਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪੈਸੇ ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿਹਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ 50-60 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਈਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ।